ऑल राइट दोस्तों, तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और आज मैं काफी दिनों बाद मतलब यूं समझ लीजिए आफ्टर ए 1 मंथ ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, तो मधेपुर पहुंच करके ब्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और यार बोल सकते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आज आप लोगों के लिए एक और नया ब्लॉग निकालने के लिए आ चुका हूं। और भाई आज मैं जाने वाला हूं दिल्ली एयरो सिटी, जो कि काफ़ी वीआईपी एरिया है, तो कापा साइडा वाली बस जाती है यहां से, तो वो वाली बस लेते हैं। और मुझे पता है यार वॉइस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी, बिकॉज मैंने मास्क भी लगा रखा है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, तो भाई ये वाला ब्लॉग काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो चलिए फटाफट से बस लेते हैं और मैं मिलूंगा आपसे सीधा एयरो सिटी पहुंच करके, तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, ब्लॉग काफी अच्छा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, उस बस स्टॉप पे कोई भी बस वाला रोक नहीं रहा, इस वजह से मैं थोड़ा और आगे जा रहा हूँ, यूं मान लीजिए बदरपुर बॉर्डर पे। और दोस्तों बदरपुर बॉर्डर हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर एरिया पड़ता है, तो यहाँ से बस मिल जाएगी आराम से। दोस्तों अभी कोविड के टाइम पे क्या चल रहा है कि बसों में सिर्फ उतने ही लोगों को बैठाया जा रहा है, मतलब जितनी सीटें हैं सीट से ज़्यादा लोगों को बस में नहीं बैठाया जा रहा है, क्योंकि कोविड के टाइम पे ये सब प्रिकॉशंस वगैरह लिए जा रहे हैं और बिना मास्क के तो अलाउ है ही नहीं। ये हमने ले ली भाई 15 रुपये की टिकट और दो ली है, मतलब दो लोग जा रहे हैं ना। हम पहुंच चुके हैं भाई बत्रा हॉस्पिटल और ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है यार। अभी हम चल रहे हैं भाई मैरोली बदरपुर वाले मेन रोड पे, और भाई ये जो आगे देख रहे हैं ना, अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखिए सारा ये ना मेट्रो का काम चल रहा है अंडरग्राउंड में, दिल्ली मेट्रो का। अभी राइट नाउ मैं हूँ दिल्ली के एयरो सिटी एरिया में, जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काफ़ी पास में पड़ता है, और भाई यहाँ का एरिया ना एक नंबर है। मतलब नेक्स्ट ब्लॉग मेरा इसी से रिलेटेड होने वाला है, एयरो सिटी से रिलेटेड। आई होप दोस्तों आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, छोटा ही ब्लॉग मैंने बनाया था, तो भाई इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ही मस्त मस्त ब्लॉग होने वाले। मिलते किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।